हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक प्रिंसेस फ्रॉक बताऊंगी कैसे बनाते हैं। मैंने अपनी बेबी के लिए बनाया है, शी लव्स दैट, उसे बहुत पसंद है। आपको इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, सब्र लगेगा, बट बहुत ब्यूटीफुल बनेगा। तो आपको एकदम रिलैक्स होकर बनाना है और काम काम होकर सुकून में। ये ड्रेस फ्रॉक बनाने के लिए मैंने वाइट कपड़ा लिया है 2 मीटर, जिसमें मैं कैनकैन लगाऊंगी। और ये कपड़ा मैंने लिया है मरून कलर 4 मीटर, 2 मीटर यूज़ में आया है। और ये 5 मीटर लगा है मुझे टिशू, कैनकैन लिया है मैंने फ्रॉक के अंदर लगाने के लिए। और ज़िप है, और फिर कॉटन के कपड़ा भी मैंने लिया, कैनकैन की लेस भी लगेगी आपको फोल्डिंग रोल रोल लगाने के लिए, जिसे 14 मीटर कुछ मैंने लिया है। कॉटन का कपड़ा भी आपको मरून कलर लेना है, जो अंदर अस्तर के लिए लगेगा। सबसे पहले मैं पेटी का कट करूँगी। पेटी मेरी 9.5 है, ये मेरी 6 साल की बच्ची के लिए है, 1 इंच मैंने ऐड किया है। शोल्डर मैंने लिया है 4.5, उसमें मैंने ऐड किया है 1/2 इंच। 5.5 आमूल लिया है, और चेस्ट मैंने 24 लिया है, जिसमें 1.5 इंच जमा करना है। वेस्ट मैंने 22 लिया है और 1 इंच ऐड किया है, उसे शेप देना है। नेक मैंने 3 लिया है आगे, और पीछे 2.5 लिया है। अभी मुझे इसमें डोरी लगाना है, स्लीव्स नहीं बनाना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा शेप दूंगी। नेक के हिसाब से ही शेप लेना है आपको। फ्रंट पार्ट में काट रही हूँ, क्योंकि बैक नेक मैंने छोटा रखा है, इसलिए फ्रंट पार्ट काट के निकाल दूंगी। आगे जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है वो ज़िप के लिए लिया है, उधर मुझे ज़िप लगाना है। अब बैक पार्ट मैंने काट दिया है, दोनों को सेपरेट कर दिया। अब मैंने जो मरून कलर का दूसरा कपड़ा लिया था उस पर वो कट कर लूँगी, जो टिशू के अंदर रखना है मुझे। दोनों साइड करना है, फ्रंट और बैक दोनों के लिए लेना है मुझे। अब मैंने वाइट कपड़ा जो लिया है उस पर कटिंग, उसका सेम शेप में कटिंग करूँगी, क्योंकि कपड़ा थोड़ा उसकी वजह से कड़क होगा, क्योंकि मुझे उस पर टिशू का फोल्डिंग करना है डिज़ाइन बनाने के लिए। अब मैंने टिशू का कपड़ा लिया है, टिशू लेके मैं इस तरीके से फोल्ड करती जाऊँगी, और जो पैटर्न आपको रखना है वो आप रख सकते हो। फिलहाल मैंने टिशू को फोल्ड कर करके क्रॉस पैटर्न रखा है, तो पहले एक साइड से मैं सिलाई लगा के बिठा लूँगी। अब उसमें मैं पेटी पे क्रॉस करके बिठाती हूँ, ऊपर भी प्रॉपर फोल्डिंग करना है, और पिन लगा लूँगी, पिन सिक्योर करके, मुझे इजी रहेगा सिलने में। स्टिच करना है और एक्स्ट्रा कपड़ा काट के निकालना है। फिर मैं दूसरा टिश्यू लूँगी, उसके आगे से स्टार्ट करूँगी फोल्डिंग करना। ये मेरा 1 साइड फोल्ड हो गया है। अब मैं नेक्स्ट फिर टिश्यू लूँगी और क्रॉस पट्टी राइट साइड पे स्टार्ट करूँगी। इस तरीके से मुझे प्लेट्स बिठा दी जानी है। अब एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने काट के निकाल लिया, मेरी पेटी रेडी हो चुकी है। डोरी मैंने बनाई, आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं मैंने डोरी किस तरीके से बनाई है। उसको रख कर पॉइंट पर, उस पर मैंने जो कॉटन का कपड़ा लिया है पेटी का, वो रख कर ऊपर सिलाई लगा कर उसे कट मार्क करना है। कट मार्क करने से ही अच्छा फोल्डिंग बैठता है, डायरेक्ट फोल्ड करोगे तो प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आती। ये मैं इसे पलट लूँगी, ये मेरी फ्रंट पेटी रेडी है। बैक साइड पे मैं सिलाई लगाऊंगी, सेम इसी तरीके से ये भी पेटी बिठानी है। उसके ऊपर से मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा कॉटन का लिया है उस पर रखकर पलटना है, इस पर भी कट मार्क करना है सेम।
पेटी मेरी रेडी हो चुकी है। अब मैं घेर का नीचे का हिस्सा स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने कॉटन का कपड़ा सेम एज यूजुअल लिया है। लेंथ मुझे 24 रखनी है, तो मैं पेटी मेरी 10 आई है स्टिच करके, 10 आएगी तो 10 इंच छोड़ना है पेटी का हिस्सा लेकर, फिर मुझे जितना रखना है मैं उतना एक्जैक्ट ले लूँगी। तो मुझे 24 लेना था, मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, 26 लिया है। इसमें मुझे ज़्यादा चुन नहीं लेना है, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लूँगी खाली, मैं थोड़ा सा क्रॉस कट कर दूँगी क्योंकि ये लास्ट पार्ट रहेगा अंदर का। नीचे से भी थोड़ा सा शेप दे देती हूँ। इस तरह रहेगा। मैं टिश्यू लेती हूँ, टिश्यू को मुझे पूरा स्ट्रेट काटना है और ज़्यादा घेर लेना है, तो आप आपकी घेर के अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैंने लेंथ 10 सेंटीमीटर छोड़ के जितना आया था उतना एक्स्ट्रा ले लिया है और पूरा स्ट्रेट काट दिया है। अभी सेम यूजुअल मैं ब्राउन कलर का जो कपड़ा लिया है उस पर अम्ब्रेला शेप में कट करूँगी, और ये पार्ट मेरा टिश्यू के नीचे होगा क्योंकि टिश्यू के मैचिंग कलर का लिया है मैंने। मैं वाइट कपड़ा लूँगी, इसमें भी थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है, ज़्यादा नहीं। इस पर मुझे कैनकेन लगाना है इसलिए मैंने वाइट लिया। अभी मैंने एक राउंड शेप के लिए, राउंड शेप कटिंग करने के लिए 8 फोल्डिंग का कपड़ा लिया है, उसे राउंड शेप देकर मैंने इस तरह कट करूँगी। ये टोटल 8 फोल्ड है। इसे मुझे फ्रॉक पे इस तरह फोल्ड करके लगाना है। मैंने कैनकेन लिया था ये वाइट कपड़े पे लगाने के लिए। अभी मैं टिश्यू पे कैनकेन लेस लगाऊंगी इस तरीके से क्योंकि स्ट्रेट लगाना है घेर पे। अभी इसे पलट कर फिर एक सिलाई लगा लेती हूँ। ये स्ट्रेट है इसलिए इजी लग गया है। अभी जब मुझे राउंड लगाना होगा तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्ट्रेट पट्टी काटनी है और उस पर कैनकेन बिठाना है आपको। इस तरीके से बिठाना है आपको, कैनकेन पर ही सिलाई लगानी है। मेजरमेंट ले सकते हो आप, राउंड शेप कितना सेंटीमीटर आया है उतने ही सेंटीमीटर कट करना है। अब उस जो राउंड है उस पर मुझे इस तरीके से सिलाई लगानी है, किनारे से पूरी पूरा राउंड शेप लेना है। ये मैं सिलाई लगा लिया है जॉइंट पर, मुझे दोनों कैनकोन को मिलाकर एक साथ रखना है और उस पर सिलाई लगानी है। अब उसे पलट कर मैं पॉइंट पे सिलाई लगाऊंगी ताकि कैनकेन अच्छे से बैठ जाए। ये इस तरीके से हमें 8 सर्कल बनाने हैं घेर के लिए। इस तरीके से 8 सर्कल मैंने बनाया है। मैं घेर अटैच करना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को नीचे बिडिंग कर दिया है, जिसको मैंने राउंड शेप में काटा है अम्ब्रेला शेप में, उसे मैं बिडिंग करूँगी। वन साइड कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पीछे जिप लगाना है, तो सारे कटिंग पार्ट्स को मुझे पीछे ही रखना है। इसमें मैं बिडिंग करूँगी, आप मेरे अदर वीडियोज़ में देख सकती हो कि मैंने बिडिंग कैसे किया है अपनी मशीन से। अब कॉटन के मेरे को दोनों साइड सिलाई लगाना है और नीचे का पार्ट फोल्ड करना है। इस तरीके से आपको नीचे फोल्ड करना है, बिडिंग भी कर सकते हो। अभी टिश्यू पे जिसमें मैंने कैनकेन लगाया है उसमें मैं चुन बिठाऊँगी सुई से, मशीन से भी आप बिठा सकते हो इस तरीके से। फिर उसके ऊपर जो दूसरा कपड़ा मुझे अटैच करना है उसके नीचे वो लगाऊँगी।
पिन से मैं इसे सिक्योर करूँगी तो मुझे इजी होगा सिलाई करने में। इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। अभी कैनकेन का और कैनकेन के नीचे जो रखना है मुझे वो पार्ट, उस पर भी हमें सेम से तरीके से सिलाई लगानी है। टिश्यू वाले पार्ट पर मुझे चुन बिठाना है, ये इस तरीके से दोनों अटैच होगा बाद में, पहले मुझे टिश्यू के ऊपर जो मैंने सर्कल बनाया है वो लगाना है। तो टिश्यू का पार्ट लूँगी मैं, एक एक सर्कल मुझे लेना है और मेजरमेंट नापना है, जहाँ तक उसका पॉइंट आएगा वहाँ से फोल्ड करके वहाँ पे टाशनी लगानी है मुझे। इस तरीके से फोल्ड करके आपको दो दो सेंटीमीटर का गैप रख सकते हो आप। फिर थोड़ी दूरी पर मुझे फिर मेजर सेम मेजरमेंट लेना है और उसे फोल्ड करके लगाना है। ऐसे टोटल 8 सर्कल्स जो मैंने बनाए हैं वो फ्रिल पे लगा दूंगी। ये मेरा पार्ट रेडी हो चुका है, सिलाई किया है मैंने इस पर। अब नीचे जो एक्स्ट्रा कैनकेन और क्लोथ का कपड़ा है वो अटैच करूँगी। मुझे पेटी को साइड साइड में सिलाई लगानी है, साइड से बंद कर देना है उसे, फिर उसे अटैच करना है घेर से। ये मेरा रेडी हो गया है फ्रॉक बनके। अब उसमें कुछ फैंसी चीज़ें लगानी हैं, ज़िप लगाना है, ज़िप मैं इस तरीके से लगाऊंगी। ये पूरी तरह से बन चुका है, इसमें सैटन रिबन लगाऊंगी मैं डोरी की जगह यूज़ करने के लिए। मुझे सिर्फ साइड साइड में सिलाई लगानी है और खुला रखना है। अब पेटी पे लगाने के लिए मैंने थोड़ी फूल और डायमंड्स रखे हैं, तो वो मैं सिक्योर करूँगी। मैंने सुई धागे से अच्छे से अटैच किया है ताकि फिक्स हो जाए, आप ग्लू या गन किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह के बाद एक डायमंड, एक रोज, एक डायमंड, एक रोज। ये पूरी मैंने लगा दिया है सारे फ्लावर्स। अब मेरा फ्रॉक रेडी हो चुका है, मैंने हेयरबिन भी बनाया है इसका, आप मेरे वीडियोस में चेक कर सकते हो अदर वीडियो में, कैसे मैंने ओल्ड हेयरबिन यूज़ करके, कैनकेन यूज़ करके नया हेयरबिन, नया ड्रेस की मैचिंग बनाया है, डिज़ाइनर हेयरबिन। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।